तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप के आप सभी मस्त होंगे। आज दोस्तों हम अपनी गाड़ी में फॉग लेंस लगाने जा रहे हैं। देखिए ये है फॉग लेंस, और हम इसे कहाँ से ऐड करेंगे आपको ये भी दिखाएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा टटक्रम नहीं करना पड़ेगा, ऐसी जगह लगाएंगे। और ये मैकेनिक बैठे हैं हमारे, ये मैकेनिक है। और देखो दोस्तों, हम जितनी मॉडिफिकेशन करते हैं अपने घर ही मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और किया था, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करना। तो दोस्तों देखिए, हमने पहले चारों इंडिकेटर देखिए, देखिए दोस्तों ब्लिंक कर रहे हैं। हमने इसमें एक रिले लगाई है, इसके हेड में रिले लगाई है हमने। और देखिए मैंने बटन यहाँ से सेट कर रखा है, इससे ही देखिए पैटर्न चेंज कर सकते हैं। देखिए कितने 6-7 पैटर्न है इसमें, कई सारे पैटर्न है, 16 पैटर्न है यहाँ, गिनती भी नहीं किया मैंने। देखिए और दिखाता हूँ मैं और पैटर्न, देखिए। तो दोस्तों ये मैंने अभी बीच में मॉडिफिकेशन किया था, इसकी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया था, हमें दो दिन लग गए थे इसमें। हम इस फॉग लेंस को देखिए, हम इस तरफ सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा ठटक्रम नहीं करना पड़ेगा, एक बोल्ट खोलना है और उसी में एक कस देना। देखिए एक सेट कर दिया हमने, और दूसरा आलो लगा के दिखाते हैं हम आपको, फिर इसको नाइट में दिखाएंगे। और एक सैनिमेटिक चेक करना दोस्तों, कैसी एनएस लगती है अपनी। और जितनी मॉडिफिकेशन है दोस्तों हम घर ही करते हैं। ये मडगार्ड का बोल्ट खोलेंगे हम, तो इसी में हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने बोल्ट खोला है, अब यहीं पर ये देखिए इसका ये बॉडी पार्ट मिलता है, इसको लगा देंगे और इसी में ये कस देंगे अपना फॉग लेंस। तो दोस्तों देखेंगे इसका फाइनल लुक कैसा लगेगा। देखिए एक कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। और नाइट में देखेंगे इसकी रोशनी कैसी रहती है। और देखिए अब ये यहाँ पर हमारा दूसरा, अब दोस्तों वायरिंग वगैरह सेट करनी है, बस वायरिंग वगैरह सेट करके फिर हमारा अपना काम सही हो जाएगा, हमारा काम सेट। तो गाइस बताना कमेंट में, वायरिंग अभी सेट करनी बाकी है। तो देख, हेलो गाइस, हमने देखिए डाटा केबल काट ली है, इसमें 4 वायर निकलती हैं, रेड ब्लैक येलो ग्रीन, ग्रीन को हम काट देंगे, ग्रीन हमारी किसी भी काम की नहीं, क्योंकि इसमें देखो ये 3 तार आते हैं, इसमें 3 वायर आते हैं, तीनों वायर एक सी होगी। तो दोस्तों हमें 3 वायर मिल चुके हैं, ये 3 वायर, इसमें 4 निकलते हैं डाटा केबल में, हमारी वायर छोटी पड़ रही थी इसीलिए हमने ये ली। तो डाटा केबल खराब, डाटा केबल का यूज कर रहे दोस्तों भाई। देखो दोस्तों भीम की स्माइल, भीम के दोस्त अगर देख रहे हो तो के पे लाइक करें और भीम के लिए कमेंट करें, इमोजी भेजें बढ़िया सा। तो गाइस हमारी वायरिंग हो चुकी है, देखिए दोस्तों, तो मिस्टर रोहित ने वायरिंग कर दी है। ये देखिए टाटा केबल की ब्लैक में ब्लैक, रेड में रेड, येलो में येलो। दोस्तों देख लीजिए, अब आगे चल के बताते हैं कैसे क्या होगा। अब दोस्तों हम सोच रहे हैं कि जो हमारी इंडिकेटर वाली रिले है उससे कनेक्ट करें के नहीं, चलो दोस्तों उसी से करेंगे, बट यार उसमें टाइम बहुत लगने वाला, हमारा अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो पूरा पहले तो हेड खोलना पड़ेगा क्योंकि इसी में ही रिले लगा रखी है हमने, हेड खोलने के बाद इसे कसने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ब्लैक ब्लैक टेप से इसे कवर कर देंगे क्योंकि शॉर्टेज ना हो जाए इसमें। तो दोस्तों यहाँ से ये वाली बेल्ट ले लिए, इससे ये वायरिंग कस देनी है। देखिए यहाँ पर सॉकर पे कस रहे हैं बेल्टों से, तार वायरिंग यहाँ पे कस दी है, ये देखिए दोनों तरफ से कस दी है। अब इसके हेड खोल के हम इसे रिले से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अपना हेड खुल चुका है और थोड़ा, तो देखिए भाई गाड़ी की लाइटें कैसे लग रही है। अब इसमें 3-way स्विच चाहिए हमें, 3 वायरिंग वाला, जिससे कि ये पूरी वायरिंग सेट हो जाए ढंग से, ये रिले भी सेट हो जाए। दोस्तों ये रिले है, ये देखिए येलो वायर है, ये दो येलो वायर है, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर में लगेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ जो ये रिले का वायर है, देखो ये दो वायर जा रहे हैं स्विच में, ये दो वायर, ये रहा स्विच, इसमें से हमने एक पॉजिटिव इसमें से ले लिया, एक स्विच में जा रहा है पॉजिटिव, और ये एक वायर जो स्विच से आ रहा है वो हमने इग्निशन में दे दिया है। और इसी का ये जो हमने फॉग लाइट लगाई है ये वाली, ये हमने इसमें इग्निशन में दे दिया है,
जैसे चाबी ऑन करेंगे ये जलेगी। देखो स्विच ये लगा दिया है, ये देखिए अभी डिपर में हमने ये दे दिया। देखो डिपर अभी खुला पड़ा है, डिपर ठीक है। और हम अभी इसका इंडिकेटर के वायरिंग करके भी दिखाएंगे अभी आपको। अब हम लगाते हैं। तो गाइस देखिए अपनी एनएस का मुझे ये पड़ा हुआ है, तो हमने ये निकाल दिया दोस्तों। अब इसमें थोड़ा बदलाव कर रहे हैं हम, जो अपनी इसकी फॉग लाइट की जो येलो लाइट है ना वो इससे करेंगे, ये क्या कहते हैं पास वाली लाइट से इससे करेंगे दोस्तों, डिपर से। तो दोस्तों डिपर से करेंगे, तो डिपर से एक वायरिंग डिपर के लिए रहेगी और बाकी की सब रिले विले से सेट होंगी, और एक बहुत जो बटन है ना उससे सेट करेंगे। तो दोस्तों बने रहे लास्ट तक, देखिए अभी जुगाड़ करी जा रही है कहाँ वायरिंग देखी जा रही है, रिले ये क्या कहते हैं डफर का वायरिंग कहाँ से जा रही है अभी चेक किया जा रहा है। तो गाइस गाड़ी का काम अपना फिनिश हो चुका है, अब गाड़ी को ओनली कसने का काम रह गया है। तो दोस्तों कसी जा रही है बाइक अपनी, तो देख सकते हो दोस्तों हमने डफर से येलो लाइट कर रखी है इसकी क्या कहते हैं फॉग लैंप्स के, डबर से येलो वाली, और ये बटन लगाएंगे अभी इस बटन को और कसेंगे यहाँ का सिस्टम खोल के, तो ये बटन कसा जाएगा बस ऑली। और इसका ये इंडिकेटर की वायरिंग रहेगी इन और कनेक्ट करके, फिर अपना साइड वो पड़ा हुआ बेचारा अलग अच्छा नहीं लग रहा। तो दोस्तों ये गाड़ी का इंतजार कर रहा है इसमें कसने के लिए, तो इसमें कसा जाएगा और ये बस इंडिकेटर की वायरिंग रहेगी, इसे और सेट करना है। तो बस ये काम और रह गया। तो दोस्तों फिर हम नाइट में देखेंगे कितनी कैसी लाइट दे रही है अपनी गाड़ी। तो दोस्तों अब हेड कसने की बारी है, अभी इंडिकेटर की वायरिंग होगी, अभी ये हेड का पूरा सिस्टम कसा जाएगा ओनली। दोस्तों बस ये जो स्विच है एक से एक दूसरे का मिलाव करना है इनका, काफी टाइम से बिछड़े हुए हैं, अब मिलाव हो रहा है इनका, मिलन हो रहा है। अरे ये तो लगा इंडिकेटर वाले, दोस्तों देखिए आप देखिए ढंग से, क्योंकि खोलने में बहुत आसान होता है फिर कसने में काफी दिमाग खराब हो जाता है। तो देख लीजिए गाइस, ये कौन सी हेडलाइट की थी क्या ये इसकी है दोस्तों, मीटर लाइट लग गई। अड़ुआ चल लो सर। तो दोस्तों अब आ गया अपना रिले मैन किरदार, तो अर्थ का वायर देना बहुत जरूरी है देखना। तो दोस्तों हमने अर्थ का वायर ये दिया है, यहाँ से ये अर्थ का वायर है, एक रिले का वायर है और एक फॉग लाइट का नेगेटिव दोनों का, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारी लाइट फिट हो चुकी है, ये देखिए कैसी लग रही है दोनों साइड से, और दिखाइए डफर से, देखिए दोस्तों हमने डफर से वाली कर रखी है, डफर से ऑन करके दिखाओ रोहित, ऑन करके दिखाओ, ये देखिए दोस्तों डफर से भी सेट कर रखी है, क्योंकि इसमें तीन वायरिंग थी, एक वायरिंग हमने डफर से दे दी है, ये देखिए डफर से। और हम डफर का बटन चालू करेंगे तो डफर से जलती रहेगी, स्टार्टिंग पे जलेगी, बट स्टार्ट करके दिखाओ जलाकर, पीली आई दोस्तों स्टार्ट पे जलेगी, देखिए डफर वाले बटन से, जो ऊपर वाला बटन है साइड का जो डफर वाला उससे। तो देखिए दोस्तों ये सब सिस्टम, ये वाला स्विच हमारे काम आ गया, तो हमने इसमें वो दो वायरिंग वाइट वाले की लगा दी है,
और एक वायरिंग इसमें पीले वाले की दे दी है, देखिए दोस्तों इस वाले पर, ये देखिए ये पीले वाले की दोस्तों वायरिंग इस पे दे दी है और ये डफर पे भी दे दी है। तो आप देख सकते हो गाइस, तो अभी मैं नाइट में और दिखाऊंगा दोस्तों, अंधेरी वाली जगह पर जाके देखूंगी कितनी दूर तक अपना फोकस देती है लाइट। तो देखिए गाइस अपनी एनएस, तो गाइस हम जा रहे हैं इस टाइम अपना खाली रोड अंधेरा वाले रोड पर जा रहे हैं, देखते हैं कितनी दूर तक रोशनी देती है अपनी धन्नो, और देखते हैं फोकस लेंस कितनी दूर तक लाइट देते हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं शमशान वाले रास्ते पर ही जा रहे हैं, तो अभी आप दोस्तों ऐसे चेकआउट करिए, देखिए कितनी दूर तक रोशनी दे रहे हैं दोनों। ऐसा है दोस्तों मेरी एन एस 125 है, तो इसलिए हेडलाइट बंद नहीं की है मैंने इसकी, और देखिए दोस्तों पीली वाली भी साथ में जला सकते हैं, डबर से हमने कर रखी हो। तो दोस्तों अभी रोड पर जाकर दिखाऊंगा मैं, ओ माय गॉड की कसम। तो दोस्तों देखिए वैसे सही, मेरे हिसाब से सही रोशनी दे रहे हैं जी, काफ़ी दूर तक की रोशनी दे रहे हैं, जो हेडलाइट है ना वो नहीं इतनी देती है। हेडलाइट की लाइट निकाल जरा, ये बंद करिए, वही बंद करिए। तो दोस्तों देखिए हेडलाइट की लाइट, देखिए कितनी दूर तक दे रही है, और ये देखिए इसकी रोशनी है, देखिए दोस्तों अब देखिए चेक करिए। तो देखिए दोस्तों काफी दूर तक दे रहे हैं। तो गाइस अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आपके हेडलाइट बंद करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस अच्छी गाड़ी को, देखिए येलो लाइट भी सही दे रही है। तो दोस्तों पूरा रोड है ये वाली, रोड कवर सा ही हो रहा है, अच्छी तरीके से रोशनी दे रही है, और मैं अभी उतर के दिखाता हूँ आपको। हेडलाइट ऊपर करनी है, तो गाइस अभी मैं उतर के दिखाता हूँ। तो गाइस मैं बाइक से उतर चुका हूँ, और देखिए इसकी रोशनी, देखिए कितनी दूर तक जा रही है, और आपकी अपनी इसकी नॉर्मल लाइट दिखाता हूँ मैं, नॉर्मल लाइट दिखाना है रहा। तो दोस्तों नॉर्मल लाइट देखिए, तो दोस्तों स्टार्टिंग नॉर्मल लाइट देखिए, देखते हैं नॉर्मल लाइट की कितनी दूर जाती है। ये देखिए नॉर्मल लाइट इतनी जा रही है अपनी, और देखिए साथ में वो दोनों जराने से, ये देखिए सफर मत मारो। तो दोस्तों देखिए सही दे रहा है अब रोशनी, अब देखो दोस्तों अब मैं येलो वाली भी दिखाता हूँ, येलो वाली जराओ, ये वाली बंद कर दो सफ़ेद वाली। हाँ दोस्तों अब देखिए येलो वाली, ये देखिए दोस्तों येलो वाली मतलब चिपक के नहीं आ रही है, दूर दूर आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं आ रही है, मैंने डफर से सेट कर रखी है। तो दोस्तों आप लोग ये चेक करिए गाइस, दूर से देखिए कैसी लग रही है अपनी धन्नो, देखिए क्या लाइट की फोकस, देखिए ब्रेक इंडिकेटर भी ऑन करिए रोहित। तो गाइस देखिए काफी अच्छी रोशनी दे रही है ये, अब लग रहा है दोस्तों के है गाड़ी, ये देखिए गाइस ये, अब सामने से ऐसा लगेगा कि फोर व्हीलर आ रही है दोस्तों। दोस्तों एक सैनिमेटिक्स देखना, अब बंदा गाड़ी लेकर आएगा रोहित, तो दोस्तों देखते हैं कैसे लगती है दूर से, ये देखिए गाइस। तो गाइस देख लिया आपने, ब्रेक जराना है यार रोहित, ब्रेक दबा ब्रेक। तो देखिए गाइस मैंने छोटा और एक अपडेट और किया था, ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लाइट लगा दी थी रेड कलर की, तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रहा है ये भी। बस दोस्तों आज का ब्लॉग में इतना ही था, तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था, और आपको ये फोकस लाइट अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, मैंने अच्छी जुगाड़ लगाया, और ये कहते हैं और हमारे रोहित के लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि ये मैकेनिक है हमारा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू दोस्तों, और दोस्तों मेरे ब्लॉग देखते रहो, और टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।